एनडीआरएफ की डीजी अतुल करवाल का बयान, तुर्की में एनडीआरएफ की राहत बचाव पर बोले करवाल, पहली बार हम हवाई जहाज से अपनी गाड़ियां लेकर पहुंचे। कानपुर देहात में मां बेटी के चलकर मरने का मामला, एसआईटी टीम ने 7 से 8 लोगों के बयान के दर्ज, सीएम के द्वारा गठित एसआईटी टीम को कानपुर देहात। भारत सिंगापुर के बीच डिजिटल लेन देन हुआ आसान, यूपीआई और पे नाउ पेमेंट कनेक्टिविटी लॉन्च, भारत के यूपीआई सिंगापुर के पे नाउ के बीच कनेक्टिविटी। हैदराबाद में आवारा कुत्तों का कहर, 4 साल के मासूम को उतारा मौत के घाट, कुत्तों के काटने का वीडियो वायरल। रूस संसद में रूसी राष्ट्रपति पुतिन का संबोधन, रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरे, मेरे लिए देश के लोगों की सुरक्षा अहम। जम्मू कश्मीर में जिला रामबन में भूस्खलन, राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हुए ताजा भूस्खलन के चलते जम्मू कश्मीर हाईवे बंद। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान, हरदीप पुरी ने राजस्थान में पेट्रोल दरों पर उठाया सवाल, कहा पड़ोसी राज्य हरियाणा में पेट्रोल की कीमतें कम। तुर्की सीरिया में फिर आया भूकंप, भूकंप से 5 लोगों की मौत, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। जोशीमठ पर भूस्खलन का असर, जमीन में आई मोटी दरारें, बद्रीनाथ जाने वाली सड़क पर कभी भी गिर सकता है भारी भरकम बोल्डर। 4 लोगों की मौत के बाद जागी पुलिस, एक घर और गोदाम में मारा छापा, बड़ी संख्या में पटाखे बरामद। परिवहन विभाग जारी करेगा नया आदेश, ग्रीन सेस वसूली का प्रस्ताव तैयार, दूसरे राज्य से आने वाले वाहनों से परिवहन विभाग वसूलेगा ग्रीन सेस। युवाओं को सीएम धामी का तोहफा, मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोश योजना शुरू करने की घोषणा की, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए की जाएगी मुफ्त कोचिंग। जोशीमठ में बनेगा आपदा प्रबंधन का कंट्रोल रूम, तैनात रहेगी बीआरओ की टीम, सीएम धामी ने दिए निर्देश। देश के 8 राज्यों में एनआईए के रेड, गैंगस्टर टेरर फंडिंग केस में 72 जगहों पर कार्रवाई, मिला पाकिस्तान कनेक्शन, एक हथियार बरामद। सीबीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कल सुनवाई की बात कही, उद्धव कुट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका, याचिका में चुनाव आयुक्त के फैसले को दी है चुनौती।